नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिससे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नियम भी लागू किया जा सकता है। अगर आपके पास है 2 से अधिक बच्चे तो आप भी नहीं लड़ पाएंगे पंचायती चुनाव। अगर दोस्तों आपके पास है 2 से अधिक बच्चे, अगर आप करते हैं सरकारी जॉब, तो आपकी सरकारी जॉब भी पड़ सकती है खतरे में। अगर दोस्तों आपके पास है 2 से अधिक बच्चे तो आपको भी गवर्नमेंट के 77 योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करके आन पर प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपके पास है 2 बच्चे तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और गवर्नमेंट आपको हर एक सरकारी योजनाओं में किस्ती देगी। गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम लागू किया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के मन में सवालों का लहर उमड़ पड़ा है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यूपी विधि आयोग चेयरमैन A.N. मित्तल ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा लगाया है, बच्चे दो ही अच्छे। इस नारे से ही पता चल जा रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आगे क्या सोच रही है या आगे का उसका क्या प्लान है। यूपी विधि आयोग ड्राफ्ट के नियमों के हिसाब से 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा आपको, सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं दिया जाएगा आपको, सरकारी नौकरी में आवेदन भी नहीं कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम लागू किया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के मन में सवालों का लहर उमड़ पड़ा है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यूपी विधि आयोग चेयरमैन A.N. मित्तल ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। अगर कोई व्यक्ति इस नीति का पालन नहीं करता है तो वह राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकारी नहीं होगा। आपके राशन कार्ड 4 यूनिट के लिए सीमित कर दिए जाएंगे। आप पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते। आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो जा भी सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपी विधि आयोग ड्राफ्ट के नियमों के हिसाब से अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप गवर्नमेंट के 77 योजनाओं के लाभ ले पाएंगे। आप अगर गरीबी रेखा के नीचे हैं आप तो बेटी के लिए 1,00,000 1 मुश्त का आपको मिलेगा। बेटे के लिए 80,000 1 मुश्त का देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, साथ में राज्य सरकार के कई योजनाओं के लाभ आपको दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 बच्चा है तो भी अच्छा है, आपको 20 साल तक मुफ्त में इलाज कराने का प्रस्ताव बनाया गया है और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको। यूपी विधि आयोग ड्राफ्ट के नियमों के हिसाब से अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप गरीबी से मारे जा रहे हैं और बच्चों को अशिक्षित बना रहे हैं, आप उन्हें सही से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी आ रही है और दोस्तों स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ रही हैं, आवास की समस्या बढ़ रही है, संसाधनों पर बोझ आ रहा है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दोस्तों गरीबी चरम सीमा को पार कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया है। दोस्तों, जैसा कि 19 जुलाई तक गवर्नमेंट ने जनता की राय मांगी है, जिस तरह से भारत में जनसंख्या विस्फोटक बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए बच्चे दो ही अच्छे यह नारा लगाया गया है। बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा हमें। फ्रेंड्स, सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 5
साथ आज बच्चे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कदम उठाने वाली है। और सेंस बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं जिनके 8-10 बच्चे हैं, ऐसे में दोस्तों उन नेताओं को रिजाइन देना पड़ेगा या फिर उसके लिए गवर्नमेंट कोई और नियम बनाने वाली है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन पे क्लिक करके आंसर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फ्रेंड्स अगर हमारे वीडियो से अगर आपके दोस्तों कोई रिक्वेस्ट पहुँचती है तो अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। दोस्तों तब तक आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों हमारे इंडिया का अधिकार ऐसे ही होता रहे। फ्रेंड्स हमें चलने का इजाज़त दीजिए। दोस्तों चलिए।